नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं हम लोग रिस्ट्रिक्टेड माइनिंग के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। क्या है? आईएमई और पीएमई। अक्सर हाँ इससे क्वेश्चन एक न एक रहेगा, ठीक है? तो आईएमई पीएमई का जितना भी कंफ्यूजन है हम लोग इसको एक बार भी खत्म कर देते हैं। मैं बराबर कर रहा हूं कि इस बार हम लोग तैयारी जो करेंगे ना स्मार्ट तैयारी कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पूरा एक बार में खत्म। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? आईएमई पीएमई, ठीक है? और हाँ, आज आप लोग को एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस जन्माष्टमी तक आपके हाथ में ए हैंडबुक आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड माइनिंग का, जिसमें आपका रेगुलेशन, आपका रूल, आपका एक्ट, आपका सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका प्लास्टिक, यानी रिस्ट्रिक्टेड माइनिंग का टोटल एक कंप्लीट बुकलेट मैं अपने वीडियो में बताऊंगा कि उस हैंडबुक में है क्या क्या चीज, स्पेशली बताऊंगा। लेकिन जन्माष्टमी के दिन वो आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है? खुशी का बात है, इंतजार कीजिए। और आज की टॉपिक क्या है हम लोग का? आईएमई पीएमई। विचार करते हैं हम लोग इस पर। देखो भाई, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन बनता है आईएमई पीएमई से, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है कि आईएमई क्या है, पीएमई क्या है? तो भैया आईएमई का फुल फॉर्म होता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। पीएमई का मतलब हो गया पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। कंप्लीट। दूसरा क्या बोलता है कि माइंस में वर्कर के लिए आईएमई और पीएमई कराने की जिम्मेवारी किसकी है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि माइंस वर्कर के लिए आईएमई और पीएमई की करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? किसकी है भैया? ऑनर एजेंट और मैनेजर की। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि माइंस में भर्ती होने वाला परमानेंट, टेम्पररी और ठेका मजदूर कौन सी जांच की जाएगी? यानी नौकरी में जब हम ढूंक रहे हैं उस समय हमारी कौन सी जांच की जाएगी, कौन सा मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी? क्या क्वेश्चन? कि माइंस में भर्ती होने वाले परमानेंट, टेम्पररी और ठेका मजदूर को भर्ती के समय कौन सा मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा? कौन सा किया जाएगा? आईएमई किया जाएगा, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लियर? चौथा क्या होगा? माइंस के वर्कर की पीएमई कितने साल के अंतराल पे की जाएगी? यानी जो बंदा माइंस में ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसका जो है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कितने समय के अंतराल पे किया जाएगा? कितने समय के अंतराल पे किया जाएगा? 5 ईयर, ठीक है? अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखो कि वर्कर के रिटायरमेंट होने से कितने पहले पीएमई की जाएगी? देखो इसमें दो तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि रिटायरमेंट से कितने दिन पहले पीएमई की जाएगी? भैया तो 1 साल पहले। रिटायरमेंट से पहले कौन सा मेडिकल टेस्ट किया जाएगा? भैया तो पीएमई किया जाएगा, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। और इसमें एक और बात छुपा हुआ है कि रिटायरमेंट से पहले 1 साल पहले हमको पीएमई करना है, ये बात कहां उठी थी या कहां से आई? तो ये बात आई है आपको 8वीं सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से। इसमें ये बात जान लो कि रिटायर होने वाला व्यक्ति का पीएमई 1 साल पहले होगा, और ये बात कहां से आया था? 8वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग से आया था। क्लियर? चलो अगला क्या है कि 45 साल से अधिक एज के वर्कर का पीएमई कितने साल के अंतराल पे किया जाएगा? दूसरा, 45 साल से अधिक का जो वर्कर है उसका पीएमई कितने साल के अंतराल पे किया जाएगा? कितने साल के? 3 साल के अंतराल पे किया जाएगा। कितने साल के अंतराल पे किया जाएगा? 3 साल के अंतराल पे किया जाएगा। और ये बात कहां से आया था भाई? तो ये बात आया था 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कि 45 साल से अधिक का जो आदमी है उसका पीएमई 3 साल के अंतराल पे की जाएगी। ये बात कहां से आई थी? 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से। चलो अगला बात, एचईएमएम ऑपरेटर। ये एचईएमएम क्या है? हैवी अर्थ मूविंग मशीन, यानी ओपन कास्ट की जितनी बड़ी बड़ी सॉबेल, पॉकलैंड, ड्रगलाइन,
जेसीबी, हजार, ईकेजी, इस तरह का जितना भी मशीन है ना एटीएम, इसका जो ऑपरेटर है इसका आई टेस्ट कितने समय के अंतराल पे की जाएगी, कितने साल के अंतराल पे की जाएगी, हर साल की जाएगी, एवरी ईयर। एटीएम ऑपरेटर का आई टेस्ट कितने साल के अंतराल पे किया जाएगा, तो प्रत्येक साल किया जाएगा उसका आई टेस्ट। और ये बात कहां से आया है, टेन सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से आया। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो, कि 60 साल से अधिक एज के वर्कर की पीएमई कितने समय के अंतराल पे की जाएगी। क्या है अगला क्वेश्चन, कि 60 साल से अधिक एज के वर्कर की पीएमई कितने समय अंतराल पे की जाएगी, कितने समय अंतराल पे की जाएगी, एवरी ईयर, क्या जी हर साल उसका मेडिकल होगा। और यह बात कहां से आया है, डीजीएमएस सर्कुलर टेक्निकल 3/2012। 60 साल से अधिक का जो वर्कर है उसका पीएमई प्रत्येक साल किया जाएगा, और यह बात कहां से आ रहा है, तो डीजीएमएस सर्कुलर टेक्निकल 3/2012। क्लियर। चलो अगला क्या है, कि पीएमई में 10 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के अनुसार कौन कौन सा टेस्ट किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पीएमई में कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है भैया। क्या है क्वेश्चन, कि पीएमई में कौन कौन सा टेस्ट किया जाएगा, कौन कौन सा टेस्ट किया जाएगा। पहला है ब्लड टेस्ट, दूसरा है ब्लड प्रेशर टेस्ट, तीसरा है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, और चौथा है मलमूत्र टेस्ट। चार टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट और मलमूत्र टेस्ट, या पीएमई सेंटर में हमारा चार तरह का टेस्ट किया जाएगा। ये बात कहां से आई है, 10 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से, कि पीएमई में 10 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के, सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के साथ जो हुआ वार्ता उसके साथ कौन कौन सा टेस्ट की सुविधा होनी चाहिए, तो ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट और मलमूत्र टेस्ट। क्लियर। चल आगे क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पीएमई सेंटर में कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे जो पीएमई सेंटर है उसमें क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए। तो देखो पहला क्या होगा, एक्सरे का व्यवस्था होना चाहिए, लंग फंक्शन टेस्ट का व्यवस्था होना चाहिए, हियरिंग टेस्ट का व्यवस्था होना चाहिए, और चेस्ट के एक्सरे का आईएलओ द्वारा वर्गीकरण करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी पीएमई सेंटर में हमको क्या क्या अनिवार्य है, तो एक्सरे, लंग फंक्शन टेस्ट, हियरिंग टेस्ट और चेस्ट के एक्सरे का आईएलओ द्वारा वर्गीकरण करने की सुविधा। ठीक है, आगे क्या है, आईएमई पीएमई में अनफिट पर्सन पुनः जांच के लिए कहां अप्लाई करेगा। क्या है क्वेश्चन, कि आईएमई और पीएमई में जो व्यक्ति अनफिट हो गया है वह पुनः जांच के लिए कहां अपील करेगा, अपील करेगा अप्लाइड मेडिकल बोर्ड। कहां करेगा, अप्लाइड मेडिकल बोर्ड। और ये किसकी जिम्मेवारी है, ये मैनेजर साहब करवाएंगे। ये जो अपील है पुनः जांच के लिए, मेडिकल का जो अपील है ये कौन कराएगा, मैनेजर साहब कराएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमई पीएमई का है, वो क्या है, कि आईएमई पीएमई की जांच का रिकॉर्ड कितने साल तक रखा जाता है। क्या है, आईएमई पीएमई का रिकॉर्ड का जो है कितने साल तक संभाल के रखें, कितने साल तक, जब तक व्यक्ति माइंस में काम करता है उसके 10 साल बाद तक। यानी आईएमई पीएमई का रिकॉर्ड हम कितने दिन तक रखेंगे, जब तक व्यक्ति माइंस में काम कर रहा है उसके 10 साल बाद तक। तो आशा है दोस्तों आईएमई पीएमई से रिलेटेड आपका कोई भी कंफ्यूजन अब दिमाग में नहीं होगा। ठीक है, चलते चलते आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और इस मेहनत पे एक आध कमेंट जरूर डालें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।